आज का पाठ है साना साना हाथ जोड़ी और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। लेखिका यात्रा के लिए गंगटोक जाती हैं। लेखिका का यात्री दल युमथांग जाने के लिए जीप के द्वारा आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, हिमालय का वैभव और विराट रूप सामने आता जा रहा था। हिमालय विशाल काय दिखाई दे रहा था। आसमान में फैली घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगी थी और फूल चमत्कार की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। संपूर्ण वातावरण में अद्भुत शांति थी। लेखिका हिमालय के पल पल बदलते स्वरूप को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। कहीं कहीं हरे चटक रंग के मोटे कालीन जैसे घास बिछे हुए दिखाई दे रहे थे। हिमालय का स्वरूप कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला सा दिखाई दे रहा था। लेखिका को यह सब छाया माया का खेल लग रहा था। प्रकृति के इस रूप को देखकर लेखिका को लग रहा था कि वह कोई पुराने युग की राजकुमारी है। हिमालय से बहता झरना उसे जीवन की शक्ति का एहसास करा रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को वहाँ के आम जनजीवन की निर्ममता झकझोर जाती है। उसे लग रहा था कि वह ईश्वर के निकट पहुँच गई है, परंतु तभी कुछ औरतें उसे पत्थर तोड़ती हुई दिखाई देती हैं। उनके कोमल शरीर हैं, लेकिन बच्चों को पीठ पर उन्होंने बांध रखा है। वे बड़े बड़े हथौड़ों और कुदालों से पत्थरों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। यह देख करके लेखिका बेचैन हो जाती हैं। सीमा पर तैनात फौजी हमारी सुरक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों की रक्षा करते हैं जहां सब कुछ बर्फ हो जाता है। पहाड़ी औरतों को भूख से लड़ते और पत्थरों को तोड़ना और कड़ाके की ठंड में फौजियों का सीमा पर तैनात रहना लेखिका को अंदर तक झकझोर जाता है। देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के महत्वपूर्ण संस्थानों को बनाने में यही आम जनता हमेशा सहयोग करती है। यह सोच करके लेखिका परेशान हो जाती है कि इस आम जनता को इस परिश्रम के बदले में कुछ भी मिलता नहीं है। प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और साथ में मनुष्य का स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है। खेती के आधुनिक उपाय, कृत्रिम साधन आदि के प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है और यही चीज़ें लेखिका ने इस पाठ में बताने की कोशिश की है। कटाव पर कोई दुकान उसे दिखाई नहीं देती। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है, जिसे देख करके सैलानी स्वयं को ईश्वर के निकट समझते हैं। वहाँ उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। यदि वहाँ पर दुकानें बन जाएं तो लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, गंदगी प्रदूषण फैलेगा। इसलिए कटाव का वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए वहाँ किसी भी दुकान का ना होना ही अच्छा है, ऐसा लेखिका का मानना है। देश की सीमा पर तैनात फौजियों की कठिनाइयों का वर्णन भी लेखिका ने इस पाठ में किया है। लेखिका की वह सुबह गंगटोक में आखिरी सुबह थी। वे लोग युमथांग जा रहे थे। वहाँ के लोगों के अनुसार यदि मौसम साफ हो तो वहाँ से कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं देती है। लाइयुंग की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू और धान की खेती और शराब का व्यापार था। लेखिका जैसे जैसे पर्वतों के निकट आती जा रही थी, उसकी बर्फ देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर बर्फ दिखाई नहीं दी थी। कटाव का रास्ता बहुत ही खतरनाक था और धुंध बारिश लगातार थी, जिसने सफ़र को खतरनाक बना दिया था। लेखिका की बर्फ़ पर चलने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी थी।
और यात्री दल जब कटाव पहुंचा उस समय ताजी बर्फ गिरी हुई थी और बर्फ को देख करके लेखिका का मन खुश हो जाता है, लेकिन बर्फ पर चलने की उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे और कोई ऐसी दुकान भी नहीं थी जिससे वह जूतों को किराए पर ले सके। जीतेन को वहाँ के इतिहास का पूरा ज्ञान था और रास्ते में तरह तरह की जानकारियाँ वह देता जा रहा था। उसने बताया कि एक पत्थर पर गुरु नानक देव जी के पैरों के निशान हैं। जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे उस समय उनकी थाली में से कुछ चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जहाँ जहाँ चावल छिटके थे वहाँ वहाँ चावल की खेती होने लगी थी। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जीतेन और उसके साथियों के नाचने के साथ ही रात्रि का वातावरण बहुत ही मनमोहक और मादकता भरा हो गया था। सभी सैलानी एक एक करके गोल गोल घेरा बना करके नृत्य करने लगे थे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली मणि ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया और वह समस्त दृश्य अपूर्व आनंद से परिपूर्ण था।